अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो हमने स्टेम का चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हम एक शॉर्ट सा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज बल्बिल्स। सो लेट्स सी के बल्बिल्स क्या होते हैं। तो जो बल्बिल्स है ये एक्चुअली हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड है। बर्ड्स की मॉडिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बल्बिल्स। हर एक मॉडिफिकेशन को नहीं कहते, बल्कि जो बल्बिल्स है ये एक टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है जो बर्ड्स में होती है। यानी ये बर्ड्स ही होते हैं लेकिन थोड़े से उसमें चेंजेस आ जाते हैं। अब इसमें ये जो मॉडिफिकेशन होती है, ये जो चेंजेस आती है, ये क्यों आती है, क्योंकि ये जो है फूड के स्टोरेज की वजह से लार्ज हो जाते हैं एंड फ्लैशी हो जाते हैं, बिकम, यानी ये बर्ड्स जो है, बर्ड्स बिकम लार्ज एंड फ्लैशी। क्यों लार्ज एंड फ्लैशी हो जाते हैं? ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। इसने अपने इस बल्बिल के अंदर, इस बर्ड के अंदर फूड को स्टोर किया होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये मॉडिफाई हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। और ये जो फूड स्टोर होता है ये एक्चुअली लीव्स में, जो भी बल्बिल्स हैं इन्होंने अपने लीव्स में स्टोर किया होता है फूड को। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल है हमारे पास बल्बिल्स कौन कौन से प्लांट्स में होता है। बल्बिल्स होता है लिलीज में, बल्बिल्स प्रेजेंट होते हैं अनियन में, गार्लिक में एंड अगेव में। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यहाँ हमने ये फोर मेंशन कर लिए कि इन प्लांट्स में क्या होंगे, इनमें बल्बिल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो बल्बिल्स होते हैं ये एक्चुअली वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये वेजिटेटिव बर्ड्स होते हैं, इन्होंने ये जो फूड को स्टोर किया होता है इसका मकसद ये होता है कि ये क्या कर सके, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कर सके, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का क्या मतलब है, यही जो बल्बिल होगा इसको अगर हम पेरेंट प्लांट से, यानी जिस प्लांट में ये बल्बिल्स बने होंगे, तो उससे अगर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, उसको हम डिटेच कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, कच कर लेते हैं, और उसको हम सॉल्विंग जो है सो करते हैं, तो इससे हमारे पास एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। ठीक है, अब ये कुछ बल्बिल्स ऐसे होते हैं जो लीफ के एक्सल पर बनते हैं, यानी दो लीव्स के बीच के एरिया में, सॉरी जो लीफ होता है, लाइक एक्सल का मतलब होता है कि ये स्टेम है और ये उसमें इस तरह से लीव है, तो कुछ बल्बिल्स यहाँ से अराइव, यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, फूड की स्टोरेज की वजह से इस पोजीशन पे उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह के बल्बिल्स को हम कहते हैं कि ये एक्सिलरी पोजीशन पे अराइज हुआ है। जबकि कुछ जो बल्बिल्स होते हैं वो फ्लोरल बर्ड्स के साथ, जो अनियन है ना, अनियन की जो, वैसे तो अनियन नीचे होता है इस तरह से, लेट्स सपोज ये अनियन है, अनियन का बल्ब है, और ऊपर उसकी जो स्टेम होती है इस तरह से, उसके कुछ लीव्स होते हैं और बीच में एक फ्लोरल उसका स्टेम होता है। तो लेट्स सपोज ये वाला एरिया सॉइल के अंदर है, ये वाला जो है इस पे क्या होंगी, इस पे इन्फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी इस अनियन का, और उसी इन्फ्लोरेसेंस के बीच में क्या अराइज हो जाएगा, बल्बिल अराइज हो जाएगा। तो अनियन के केस में ये फ्लोरल बर्ड्स में अराइज होता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये क्या होता है, लीफ के एक्सल में भी अराइज हो सकता है। दिस वॉज अबाउट द बल्बिल्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।